पुजारा ने मिडिलसेक्स के खिलाफ अपने क्लब ससेक्स शार्क के लिए बल्ले से अपनी प्रभावशाली लय को बनाए रखने के लिए सिर्फ 90 गेंदों में 132 रनों की पारी खेली। उन्होंने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में प्रवेश किया जब उन्होंने और स्टार्टर टॉम अलसॉप ने 166 गेंदों पर 238 रनों की तीसरे विकेट की साझेदारी स्थापित की। पुजारा 132 गेंदों की पारी खेलने के बाद आउट हो गए जिसमें 20 चौके और 2 छक्के शामिल थे, जबकि अलसॉप हटाए जाने से पहले 155 गेंदों में नाबाद 189 तक पहुंच गए थे। काउंटी क्रिकेट और रॉयल लंदन क्लब के लिए रन टेस्ट क्रिकेट में उनकी स्ट्राइक रेट अभी भी बहस के लिए है, लेकिन राजकोट के बल्लेबाज निश्चित रूप से सीमित ओवरों के प्रारूप में चीजों को सही कर रहे हैं। पुजारा ने 125 मिनट तक बल्लेबाजी की और मिडिलसेक्स के खिलाफ मैच में एक और शानदार पारी खेली जिससे उनकी टीम को निर्धारित 50 ओवरों में 4 विकेट पर 400 के विशाल स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। पुजारा ने मौजूदा रॉयल लंदन कप 2022 में खेली 8 पारियों में 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने डरहम के खिलाफ 49 रन बनाए। 34 वर्षीय बल्लेबाज ने 8 मैचों में 116 की उल्लेखनीय स्ट्राइक रेट के साथ 616 रन बनाए हैं। यूनाइटेड किंगडम में जारी घरेलू 50 ओवर के टूर्नामेंट में उनका औसत 102.33 है। पुजारा ने महीने की शुरुआत में बल्ले से दमदार प्रदर्शन करते हुए वार्विकशायर के खिलाफ 79 गेंदों में 107 रन बनाए। उनकी पारी 7 चौकों और 2 छक्कों से भरी हुई थी। इससे पहले पुजारा ने सरे को केवल 131 गेंदों में 174 के करियर उच्च लिस्ट स्कोर के साथ हराकर 48 घंटे से भी कम समय में अपना दूसरा शतक बनाया था।